देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है। समाजवादी विचारधारा के प्रखर चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की 53वीं पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किए अपने विचार। आपको बताते चलें, 12 अक्टूबर 2020 समाजवादी विचारधारा के प्रखर चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की 53वीं पुण्यतिथि पर उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता द्वारा एक कार्यक्रम कैंप कार्यालय हल्द्वानी समाजवादी पार्टी में आयोजित किया गया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता सम्मानित सोएब अहमद जी ने की। आज के कार्यक्रम में वरिष्ठ समाजवादी श्री सुरेश परिहार, विशिष्ट अतिथि श्री कुलदीप भुल्लर जी, भगवती प्रसाद त्रिकोटी जी, मोहन कांडपाल जी आदि उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम का मंच संचालन सम्मानित श्री संजय सिंह जी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री सोएब अहमद जी ने कहा, शासन को निरंतर चौकस एवं जागरूक बनना होगा, तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने राजनीतिक अधिकारों को समझे और जहां कहीं भी उस पर चोट होती है या हमले होते हैं उसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाए। संजय सिंह ने मंच संचालन करते हुए बताया कि यह कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत की मौजूदा सरकार लोहिया के उच्च आदर्शों को अपनाने के बजाय तानाशाही पर आमादा है। नागरिक अधिकारों को पुलिसिया दमन से कुचल रही है। लोहिया जी ने राजनीति में तिकड़म और तात्कालिक स्वार्थ को हे बताया, जबकि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में यह नीतियां सत्ता प्राप्ति की आधार हैं। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। देखिए, आज पुण्यतिथि पर डॉक्टर मनोहर जी को आज हम लोग सारे समाजवादी एकत्रित हुए हैं और पूरे देश में आज समाजवादी कार्यकर्ता बना रहे हैं। और हमारा सिर्फ यही कहना है, जो लोहिया जी के जो विचार थे, उन विचारों से अगर ये देश आज चलता तो आज देश की बहुत तरक्की होती। और उन विचारों को दरकिनार करके ये राजनीतिक दलों ने जिस तरह इस देश को जाति और धर्मों में बांट के रख दिया है, उसी का खमियाजा आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और हम लोग यही चाहते हैं कि लोहिया जी के जो विचार थे, उसी विचारों से अगर हम लोग आज सारे सर्व समाज के साथ एकत्रित होकर इस देश में कुछ ये जाति और धर्म से जो भटक चुके हैं सब लोग, ये भटका दिया राजनीतिक दलों ने, एकत्रित हो और इस देश का भला जब ही होगा जब हम सर्व समाज एक साथ रहेंगे और लोहिया जी के विचारों पर आगे अमल करेंगे। आपके बाद तो उन्होंने इस लड़ाई को, हमारे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की सरकार हो या बिहार में समाजवादी लोगों का गढ़ है, वहाँ के लोग हों, तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हमने किया। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि हिंदी भाषा को महत्व दिया जाना चाहिए, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की इस हिंदी भाषा पर आज आपने देखा होगा, देश के बड़े बड़े पदों पर जो पहले नहीं सुनाई देते थे आज हिंदी में बोलते हुए सारे लोग आपको सुनाई पड़ेंगे। ये डॉक्टर लोहिया के संघर्ष का ही नतीजा था। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि गैर बराबरी, चाहे सामाजिक गैर बराबरी हो चाहे आर्थिक गैर बराबरी हो, आर्थिक गैर बराबरी में डॉक्टर लोहिया ने कहा कि अमीरी और गरीबी का पाताल जो ये नेहरू मंत्रिमंडल में, उस समय जब लोहिया जिंदा थे तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी आपकी सरकार में अमीरी और गरीबी का आकाश पाताल जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको 1 और 10 के अंतर होना चाहिए। एक आदमी 10 रुपया कमा रहा तो एक आदमी मिनिमम वाला 1 रुपया कमाए, ये नहीं कि 100 कमा रहा तो एक को 1 रुपया भी नसीब ना हो, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्टर लोहिया ने उस लड़ाई को आज हम लोग लड़ रहे हैं, और जबकि आज तो हमें बहुत ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने सारा पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश को रख दिया है। कोई विभाग अब जो है सरकारी नहीं रहेगा, धीरे धीरे सारे सरकारी विभाग, सारे अडानी अंबानी टाइप के जो उद्योगपति नरेंद्र मोदी के साथ हैं, इन लोगों के हाथों में सारा विभागों को भी सौंप दिया जा रहा है। उसके खिलाफ समाजवादियों को लड़ाई लड़ना है, समाजवादियों को लड़ाई लड़नी है। आज जो है देश में कि तमाम जो है अन्याय हो रहा, जगह जगह पर किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों के खिलाफ चोरी छुपे विधेयक लाया गया है, कृषि विधेयक, उसके खिलाफ समाजवादी लोग आंदोलन लड़ेंगे। दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, तमाम वो लड़ाई समाजवादियों को लड़नी है, तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए समाजवादी लोग इकट्ठा हुए हैं। और लोहिया ने जो संघर्ष का नारा हमें दिया था, लोहिया का पूरा जीवन अंग्रेजों के
जमाने में तो पूरा देश कई बार आंदोलन में जेल में रहे। अंग्रेजों के जाने बाद कांग्रेस सरकारें जो इस देश में रही उसमें लोहिया और ज़्यादा अधिक बार जेलों में रहे। उस संघर्ष की भूमिका के लिए हम लोग आज डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि पर अपने को भी जगाने का काम कर रहे हैं कि हम उस संघर्ष को भूल गए हैं जो डॉक्टर लोहिया ने किया था। तभी समाजवादी लोग आगे बढ़ के जो समाज के अंतिम छोर तक का व्यक्ति है उस व्यक्ति को भी खुशहाल रखने के लिए लड़ाई लड़ पाएंगे। यही मंथन करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं।